दोस्तों आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आए। इस वीडियो में हम एक ऐसा टेस्टर बनाने वाले हैं जो कि 220 वोल्टेज एसी से ऑपरेट होगा और जिसकी सहायता से आप किसी भी प्रकार के एलईडी बल्ब को चेक कर सकते हैं जो कि 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट या इससे अधिक वोल्ट के होंगे। और इसके साथ ही साथ आप जो एलईडी बल्ब जो घर में यूज़ करते हैं उनके जो सर्किट होते हैं उनमें जो एलईडी बल्ब लगे होते हैं उनको भी इस टेस्टर की सहायता से बड़ी आसानी से चेक कर पाएंगे। तो इस सर्किट को बनाना बहुत ही आसान है, हमने स्टेप बाई स्टेप बता रखा है, साथ ही साथ क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें यूज़ हुए हैं वो भी सारे कुछ हमने बताया क्लियरली। तो फटाफट देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं रिंकू पुंडी के आर टेक माइंड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस टेस्टर को बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इस प्रकार की दो नोब की आवश्यकता होगी जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, और ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। ये मल्टीमीटर की दोनों नोब हैं। और इसके बाद हमें इस प्रकार के एक प्लग की आवश्यकता होगी, ये भी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से 5 से 10 रुपये में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और इसके बाद हम इस सर्किट में इस प्रकार की 5 mm की एक रेड LED का यूज़ करने वाले हैं। और इसके बाद दो रेजिस्टेंसों का यूज करेंगे जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये इस प्रकार से रेजिस्टेंस है जो कि 100 kΩ के रेजिस्टेंस हैं, और ये वाला रेजिस्टेंस जो हमने 100 kΩ का लिया है ये 0.5 वाट में है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी 100 kΩ का रेजिस्टेंस है और ये हमने 0.25 वाट में रेजिस्टेंस लिया है। तो फटाफट से सर्किट को तैयार कर लेते हैं बिना देरी करे। तो सबसे पहले हम सभी सामान को साइड में करेंगे और इस 2-पिन प्लग को लेंगे और इस 2-पिन प्लग को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने 2-पिन प्लग को ओपन कर लिया है, और इसके बाद हम इस प्रकार के एक डायोड का यूज़ करेंगे जिसका नंबर है IN4007 जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और इस डायोड को हम इस वाली पिन पे, यानी कि ये आपको दिखाई दे रही होगी, इस वाली पिन पे लगा देंगे। तो ये हमने IN4007 का एक डायोड हमने इस प्लग की इस वाली पिन पे लगा दिया है। और इसके बाद हम एक रेजिस्टेंस लेंगे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, और इसको हम इस सेकंड वाली लेग में इस प्लग की लगा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने डायोड और रेजिस्टेंस को लगा लिया है इस प्लग की दोनों पिनों पे। और इसके बाद हम जो इस प्लग के दोनों तरफ के ऊपर नीचे के कवर हैं उसमें से एक कवर में हॉल कर लेंगे इस 5 mm की LED को बाहर की तरफ निकालने के लिए। तो ये हमने एक हॉल कर लिया है इस प्लग के ऊपर वाले हिस्से में, और इस एक्स्ट्रा PVC को हम इस कटर की मदद से हटा देंगे। और इसे साफ करने के बाद हम इसे साइड में रखते हैं। इसके बाद हम एक 0.25 वाट का रेजिस्टेंस लेंगे और इस रेजिस्टेंस को हम इस 5 mm की LED की किसी भी लेग पर सोल्डिंग कर लेंगे। और इस LED में जो छोटी वाली लेग है वो नेगेटिव लेग होती है, और जो आपको बड़ी वाली लेग दिखाई दे रही है वो पॉजिटिव लेग होती है। तो इसमें से किसी भी लेग पर इस रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस 5 mm की LED की एक लेग पे हमने इस रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर लिया है जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और हम इस LED को इस वाले हिस्से में लगा लेंगे जिसमें हमने हॉल किया है, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद हम इन दोनों लेगों को कुछ इस तरीके से मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद इन दोनों लेगों को हम इस वाले प्लग के दोनों पिनों पर लगाने वाले हैं। इस वाली एक्स्ट्रा लेग को हम काट देंगे क्योंकि ये सोल्डिंग करने में दिक्कत कर रही है। इसके बाद इस LED की नेक्स्ट लेग को भी हम इस डायोड पे सोल्डिंग कर लेंगे, और जो आपको इस LED की एक्स्ट्रा लेग दिखाई दे रही होगी इस एक्स्ट्रा लेग को हम कटर की मदद से कट कर देंगे। और इस डायोड की जो आगे वाली लेग दिखाई दे रही है इसमें एक वायर सोल्डिंग कर लेंगे इस नोब का। और इसके बाद इस 0.5 वाट के रेजिस्टेंस की जो आगे वाली एक लेग दिखाई दे रही है इस पे भी हम एक नोब को लेके उसके वायर को सोल्डिंग कर लेंगे। तो फटाफट से इस एक्स्ट्रा लेग को काट के इन दोनों वायरों को सोल्डिंग कर लेते हैं। सेफ्टी के लिए हम इस हीटसिंक
स्लिप को चढ़ा लेंगे इन दोनों वायरों पे, जिससे ये आपको दिखाई दे रहा है इस प्लग के ये दोनों लेग हैं, जो रेजिस्टेंस की लेग है और इस डायोड की लेग आपस में टच ना करें कहीं पर भी, क्योंकि इसमें जो है करंट काफ़ी तेज आने वाला है और कहीं भी टच करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है। तो इसलिए हम इन दोनों नोबों के वायरों पर इस वाली हीट सिंक की ट्यूब को लगा लेंगे। तो हमने ये दोनों वायरों को इस डायोड की एक लेग पे और इस रेजिस्टेंस की एक लेग पे सोल्डिंग कर लिया है, और इसके बाद जो आपको ये हीट सिंक ट्यूब दिखाई दे रही होगी इसको आगे करके और हम इस पर कुछ इस तरीके से डायोड पे चढ़ा के और इसे हीट की मदद से श्रिंक कर देते हैं। और इसके बाद हम इस प्लग के ऊपर वाले कवर को लगा लेंगे और इसे पेचकस की मदद से कस लेंगे। और इसके बाद इस टेस्टर के ज़रिए हम कुछ एलईडी बल्ब को, जो कि 3 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट और इससे भी ज़्यादा वोल्ट की सर्किट के एलईडी को चेक करने वाले हैं हम। तो हमने इस प्रकार से सभी कंपोनेंट्स को लगा कर इस टेस्टर को रेडी कर लिया है, और अभी इस टेस्टर के ज़रिए हम कुछ एलईडी बल्ब टेस्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ हमने 5 AM की एलईडी ले रखी हैं और इसके बाद 1 वाट की 3 वोल्ट से चलने वाली कुछ एलईडी हैं। इसके बाद ये एलईडी बल्ब में जो सर्किट लगे होते हैं उसके अंदर जो एलईडियां लगी हुई हैं उनको सभी को चेक करने वाले हैं इस टेस्टर के ज़रिए। तो सबसे पहले हम इस टेस्टर के जो आगे वाला प्लग दिखाई दे रहा है, इस प्लग में जो आपको एलईडी बल्ब लगा हुआ है वो केवल हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये इस प्लग को लगाने के बाद ग्लो करने लग जाए और इसके बाद हमें पता लग सके कि इन दोनों नोबों में लाइट आ चुकी है, और इसी का मकसद था इस एलईडी बल्ब को लगाने का। तो अभी हम इस प्लग को इस पावर स्ट्रिप बोर्ड में लगाएंगे और चेक करेंगे सभी एलईडी बल्ब को। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्लग को लगाने के बाद जो हमारे इस प्लग में एलईडी बल्ब लगा हुआ है वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हमने स्विच ऑन नहीं किया है। स्विच ऑन करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा ये एलईडी बल्ब ग्लो करने लगा है, इसका मतलब इन दोनों नोब के अंदर लाइट आ चुकी है और वो भी 220 वोल्ट एसी से ऑपरेट होंगे सभी एलईडी बल्ब, जिन्हें हम चेक करेंगे। और सबसे पहले आपको ये सावधानी पूर्वक यूज़ करना है सर्किट को, क्योंकि इसके आगे जो नोब लगी हुई है उनमें काफ़ी तेज करंट आ रहा है, तो इसको सावधानी पूर्वक यूज़ करना है, बिल्कुल भी आगे की तरफ टच नहीं करना है क्योंकि करंट्स लग सकता है आपको। इसके बाद हम ये 5 AM की एलईडी लेंगे जो कि ब्लू कलर की है, इसको हम टेस्ट करने वाले हैं इन दोनों नोबों के आगे वाली पिन से लगाकर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा हमने इस एलईडी की दोनों पिनों पर, इस नोब की दोनों पिनों को लगाया तो ये एलईडी ग्लो करने लगी है, इसका मतलब ये एलईडी सही है, और इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। इसके बाद हम पे एक ये एलईडी बल्ब और है और इसको टेस्ट करने वाले को दिखाई दे रहा होगा ये भी एलईडी बल्ब पूरी तरीके से इस टेस्टर की मदद से जल गया है, यानी कि ये एलईडी बल्ब सही है। इसके बाद हम पे ये कुछ एलईडी बल्ब होते हैं जो उनकी ये प्लेटें हैं और उनमें ये एलईडी बल्ब लगे हुए हैं, तो इनको भी आप चेक कर सकते हैं कौन सा ख़राब है कौन सा सही है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा इसमें ये एलईडी बल्ब ख़राब है, बाकी सब जल गए हैं हल्के से आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इसके बाद नेक्स्ट एलईडी बल्ब चेक करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा इस एलईडी सर्किट में जो एलईडी बल्ब लगे हुए हैं वो ग्लो करने लगे हैं, और आप इस तरीके से इस टेस्टर की मदद से इन सभी एलईडी बल्ब को चेक कर सकते हैं कि कौन सा ख़राब है कौन सा सही है। इसके बाद हम ये एलईडी बल्ब का एक सर्किट है उसको भी टेस्ट करेंगे जो कि सही है, और ये 220 वोल्ट एसी से ऑपरेट होने वाला सर्किट है, और इसकी दोनों पिनों पे हम पॉजिटिव नेगेटिव वाली पे लगाएंगे जो कि 220 वोल्टेज से ये ग्लो होती हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये एलईडी सर्किट पूरी तरीके से जलने लगा है, ग्लो होने लगा है। तो इस तरीके से आप 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट और 220 वोल्ट एसी सर्किट में लगे एलईडी बल्ब को बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस सर्किट को बड़ी आसानी से बना पाएंगे इस वीडियो को देख के। और एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आपको इस सर्किट को सावधानीपूर्वक यूज़ करना है, और जो
इस टेस्टर के आगे दोनों पिन है, उनको टच नहीं बिल्कुल भी करना है क्योंकि इसमें काफी तेज करंट आता है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक से जरूर कर दिया करें। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो में जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।